जय हिंद दोस्तों। सो हेलो, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करते हो सारे बंदे बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैं एक नया वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बरमूडा मैप में टॉप 5 हाइडिंग प्लेस। तो गाइस, उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो उस वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो मैंने उस वीडियो का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बरमूडा मैप में और भी ऐसे 5 छुपने की जाएगा जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सोलो में रैंक पुश भी कर सकते हो, और कभी आपका स्क्वाड मेट मर गया तो वहाँ पे आप सर्वाइव करके अपना रैंक भी बचा सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो में जल्दी आगे बढ़ते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि गाइस एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एंड आपका एक शेयर से एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला जो हाइडिंग प्लेस आता है वो आता है पोचिनक में, एंड पोचिनक में जो मल्टी विंडो दिख रहा है यहाँ पे है वो हाइडिंग प्लेस। तो पोचिनक में जो डबल डोर रहता है उसके पास में जो मल्टी विंडो है इसके ऊपर ही है वो हाइडिंग प्लेस। तो इसके पास जो छोटा गैरेज है उसको ऊपर जाना है आपको टायर की मदद से, एंड उसके ऊपर जो और एक टायर है आपको उसके मदद से उडेन के ऊपर चले जाना है, एंड उडेन के ऊपर आपको और एक टायर देखने को मिल जाएगा। इस टायर की मदद से आपको चले आना है इस मल्टी विंडो के ऊपर, एंड यहाँ पे ये जो चिमनी रहता है इसके पास में आप बहुत अच्छे से बैठ सकते हो, एंड यहाँ पे आप लेट भी सकते हो, एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कैंप भी कर सकते हो। यहाँ से आप एनिमी को इजीली मार भी सकते हो, एंड एनिमी को दिखाई भी नहीं देगा कि ऊपर कोई बंदा है। तो इसके बाद चले जाते हैं हमारा सेकेंड हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो गाइस, हमारा जो सेकेंड हाइडिंग प्लेस है वो है फैक्ट्री के पास, जो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। सो आपको इसके ऊपर चले आना है, एंड इसके ऊपर ही है हाइडिंग प्लेस। तो आपको इसके ऊपर जाने के लिए बहुत ध्यान से, बहुत संभल के ऐसे जंप करने जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड आपको धीरे धीरे ऐसे जंप करके करके आपको इसके ऊपर चले आना है, एंड आपको बहुत संभल के आना होगा नहीं तो आप ऊपर से गिर जाओगे। एंड इसके ऊपर आने के बाद आपको बैठ के ऐसे जंप करके ऐसे पीछे वाले पे चले जाना है, एंड वहाँ से आपको जॉयस्टिक की मदद से धीरे 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 आपको ये सामने वाला जो बोर्ड है इसके पीछे बैठ जाना है। एंड ये एक बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस है, यहाँ पे एनिमी आपको देख भी नहीं सकता क्योंकि उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देगा, एंड यहाँ से आप एनिमी को इजीली मार भी सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो जो थर्ड हाइडिंग प्लेस है वो है शिपयार्ड में, एंड शिपयार्ड में जो ये वाला घर देख रहे हो इसके ऊपर ये वो हाइडिंग प्लेस। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपको इसके ऊपर कैसे चढ़ना है। इसके पीछे जो ये टावर रहता है आपको इसके ऊपर चले जाना है, एंड ऐसे स्कोप ऑन करके जंप करके इसको रेलिंग के ऊपर चले आना है, एंड इसके बाद आपको रन करके जंप करके इसके ऊपर चले जाना है, एंड इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से कैंप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एनिमी दिखाई देगा, एनिमी आपको नहीं दिख पाएगा, एंड यहाँ से आप एनिमी को इजीली मार भी सकते हो। तो ये प्लेस आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता देना, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा फोर्थ हाइडिंग प्लेस की तरफ। हमारा फोर्थ हाइडिंग प्लेस है बीमा शक्ति की जो चिमनी होता है उसके नीचे। यहाँ पे आने के बाद जैसे ग्लू वॉल लगा रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही ग्लू वॉल लगाना है, एंड ग्लू वॉल लगाने के बाद आपको इस चिमनी के ये रेलिंग में चढ़ जाना है, एंड यहाँ से आपको जंप करके आपको इस ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ना है, एंड उसके बाद आपको इसके ऊपर चले आना है। यहाँ पे आप अच्छे से बैठ भी सकते हो, एंड लेट के कैंप भी कर सकते हो। ऊपर आने के बाद आपको ये दोनों ग्लू फोड़ देना है, एंड यहाँ से आप बहुत अच्छे से कैंप कर सकते हो, एंड एनिमी उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा कि ऊपर कोई बंदा कैंप कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा लास्ट एंड फिफ्थ हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो हमारा जो लास्ट एंड फाइनल हाइडिंग प्लेस है वो है शिपयार्ड में, एंड शिपयार्ड में जो जहाँ पे लॉन्च पैड रहता है उसके पास जो एक टावर है वही है वो हाइडिंग प्लेस। तो आपको सबसे पहले चले आना है इस लॉन्च पैड के पास, एंड लॉन्च पैड को यूज़ करके जैसे मैं जा रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसे चले जाना है। ऊपर आने के बाद आपको दौड़ के जहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपको वहाँ पे चले जाना है, एंड यहाँ पे आप बैठ के एंड लेट के भी बहुत अच्छे से कैंप कर सकते हो। तो गाइस, ये वाला हाइडिंग प्लेस तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट हाइडिंग प्लेस है, एंड ये प्लेस आपको कैसा लगा वो कमेंट में बता देना, एंड यहाँ पे आप नीचे भी जा सकते हो बिना हेल्थ गवाए। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ था, जब मैं अपना वीडियो शूट कर रहा था तो यहाँ पे एक एनिमी आ गया था, तो मैंने इसको बहुत प्यारा सा एक हेडशॉट दे दिया था। तो गाइस चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको इसके नीचे कैसे जाना है। तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपको दौड़ के वहाँ पे जाना है, एंड ऐसे बैठ के आपको रन करके जंप करके इसके ऊपर चले आना है, एंड इसके ऊपर से आपको जंप करके इस टावर के ऊपर चले आना है, एंड यहाँ से आप इजीली स्टेयर की मदद से नीचे आ जाओगे।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि क्या होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।